कर्नाटक में जब कांग्रेस बनी किंग, तो ममता ने बांधे तारीफों के पुल। फिर कांग्रेस ने क्यों सुनाई खरी खरी। वेयर एवर द रीजनल पार्टी इज स्ट्रॉन्ग देयर बीजेपी कैन नॉट फाइट, एंड वेयर द पीपुल्स आर वेरी डिमोरलाइज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड and for the incumbency and all these. Suppose Karnataka, the vote is, it is against of the verdict of BJP government, if you see the verdict. So like this, people are antagonized, atrocious is terrible, economy has already ruined, democratic rights has been bulldozed, even the wrestlers are also not spared. So at this situation, I think whoever is strong in some places, in every region, they should fight together. Wherever is the Congress strong, in their respective 200 seat or something, what we have already calculated, let them fight, we will give support, nothing is wrong. But they have to see that they have to support the other political party also. I am giving you the support in Karnataka, but you are fighting against me every day. It should not be the policy. It is for everybody. If you want to get some good things, then you have to sacrifice yourself also in some area. Congress party ki jeet hui hai. Mamata ji ko lagte hai ki abhi Congress party ke saath किसी हालत में समझौता के बिना वो चल नहीं पाएगी। कर्नाटक के चुनाव के पहले कभी आप लोग ये सुना है कि ममता बनर्जी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दो क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस को वोट देना जरूरी है? कभी कही हो के सुने आपने? चुनाव जब चल रहे थे, ममता बनर्जी कभी अपने तरफ से कर्नाटक वासियों को ये अपील नहीं की कि उनकी विपक्ष कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सारे उम्मीदवारों को मतदान में आप जिताने की प्रयास करें? कभी नहीं कही। ये वो ममता बनर्जी जो यूपी जाती है, बिहार जाती है, बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो लड़ते हैं उनको मदद करने के लिए, लेकिन कर्नाटक में नहीं गई क्योंकि वहां कांग्रेस पार्टी लड़ रहे थे। आज जब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई, तब उनको यह लगने लगी कि बिना कांग्रेस बंगाल में उनको आगे बढ़ना मुश्किल हो गई, क्योंकि बंगाल में अभी कांग्रेस पार्टी की पकड़ दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हम लोग 50 साल बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की सागरदीघ उपचुनाव भारी मतदान से ममता बनर्जी को हराई। कर्नाटक में जीत हुई, फिर भी उनकी जुबान से राहुल गांधी जी के नाम नहीं निकले।